मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में भ्रांतियां दूर होनी जरूरी है। बिना मतलब मेंबर चेयरमैन बदनाम होते हैं। वह क्या होता होगा, कैसे सिलेक्शन होता होगा, सिलेक्शन में पैसा चलता होगा, इस तरह की कई बातें मार्केट में चलती रहती है। आज की बात नहीं है, सालों से हम बचपन से सुनते आए हैं भ्रांतियां दूर होनी चाहिए, इसलिए ज़रूरी है ताकि जनता में क्रेडिबिलिटी बनी रहे। गहलोत RPSC के 23वें स्थापना दिवस के मौके पर बोल रहे थे। CM VC के जरिए सम्मेलन से जुड़े थे। गहलोत ने कहा RPSC को हर साल भर्तियों का कैलेंडर जारी करना चाहिए। भ्रांति दूर होना आवश्यक भी है क्योंकि बिना मतलब मेंबर बदनाम होते हैं, चेयरमैन बदनाम होता है, पता नहीं वहाँ क्या होता होगा, कैसे सिलेक्शन होता होगा, पैसा चलता होगा, कई बातें मार्केट में चलती रहती है। आज की बात नहीं, सालों से बचपन से सुनते आ रहे हैं हम लोग भी। उस वक्त में आपने जो ये नवाचार किया है IT के माध्यम से, ये एक विश्वास पैदा करने वाले नवाचार है। आम जनता का विश्वास काम रहे संस्था पर, ये अति आवश्यक है। जहाँ लोगों के फ्यूचर बनने की बात है, वहां पर अगर क्रेडिबिलिटी नहीं हो संस्था की, तो आप सोच सकते हो कि क्या स्थिति बनती है। कई राज्यों में स्थिति ऐसी बनी जहां पर कई विवाद खड़े हुए और उनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी नहीं है। हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि राजस्थान में RPSC ने 72 साल लगातार जो अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखी है, आज जो इन्होंने कैलेंडर जारी किया है, ये अपना आप में मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा मैसेज देगा पूरे प्रदेश के अंदर नौजवानों को। मैं चाहूंगा कि खाली एक बार कैलेंडर जारी होकर नहीं रह जाए, ऐसी व्यवस्था करे कि निरंतर UPSC की तरह ही मालूम रहे लोगों को किस वक्त क्या अपेक्षाएं होगी स्टेट लेवल की भी। तो ये भी हमें, अभी मैं कह रहा था मिस्टर गहरा जी को, कि ऐसी व्यवस्था कर दें कि हमेशा हर वक्त हर साल कैलेंडर मौजूद रहे, इसका अपने एक अलग मैसेज आएगा। अभी जिस प्रकार से भर्ती निकलती है, महीने लग जाते हैं, फिर कभी लिटिगेशन हो गया, उलझ जाते हैं। हमारी सगा बनी अभी 19 के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि उसके कई साल पहले की भर्ती थी वो पूरी होने लग गई, और तो RS लेवल की भर्तियां भी जो है उनमें कई साल लग गए पहले। तो ये स्थिति आनी नहीं चाहिए, इतनी हमारी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हम टाइम पर भर्ती निकालें, टाइम पर पूरा प्रोसेस पूरा हो, लिटिगेशन की नौबत नहीं आए, कुछ अगर नियम कायदे बदलने तो हम बदलें,